पर गया तो मैं हूँ आपका मेज़बान फिरोज़ अहमद वानी, सीएससी लाउड आ रहा है और मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज एक नई वीडियो जो पीएम किसान के मुतालिक है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक स्कीम है पीएम किसान, जिसमें मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये डाले जाते हैं हर महीने और कुल मिला के सालाना 6-6 हज़ार रुपये डाले जाते हैं। तो आज हम उसी के मुतालिक यहाँ पर आपको बताएंगे कि वो साइट कौन सी है और अपनी रजिस्ट्रेशन आप चेक कैसे कर पाएंगे और किन किन बेनिफिशरीज़ का उसमें नाम है और कौन कौन से रिजेक्ट हुए हैं। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे तो यहाँ पर पीएम किसान लिखेंगे, pmkisan.gov.in। साइट के आगाज़ में सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो आइकन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, मगर यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि रजिस्ट्रेशन अभी नहीं होती है, कुछ रीजंस है जिनकी वजह से फ़िलहाल ये बंद है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आधार नंबर देना है 9854182137 यहाँ पर अपनी स्टेट आप देंगे। यहाँ पर जब कि आप सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, दिस फैसिलिटी इज़ टेम्परेली सस्पेंडेड ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ये फ़िलहाल बंद है, लेकिन जिन्होंने किया हुआ है उनका हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरी ऑप्शन एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड्स, अगर आपका आधार अपडेट किया हुआ है या किसी वजह से आपका आधार आपको नया बनवाना पड़ा या उसमें किसी किस्म की अपडेशन करनी पड़ी, जैसा कि नाम, DOB, एड्रेस, तो उसके लिए नए से आपको फार्मर कॉर्नर में, इस साइट के फार्मर कॉर्नर में जाके यहाँ पर एडिट करना होगा। तो दूसरी बात आप देखिए, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि बेनिफिशरी स्टेटस, हाँ ये देखने लायक बात है। यहाँ पर आपको सिंपली अपना आधार नंबर देना पड़ेगा 9854182137। ये देखिए यहाँ पर नाम वगैरह, यहाँ पर पूरा इसने कितने इंस्टॉलेशन लिए हुए हैं, ये स्टेटस, फर्स्ट इंस्टॉलेशन, दूसरा इंस्टॉलेशन और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां इसका अभी पेंडिंग है। इसमें पूरा डिटेल आता है, अगर किसी को देखना होगा वो ऐसे देख सकता है। इसके अलावा स्टेटस आप सेल्फ रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर देखिए सेल्फ रजिस्टर्ड CSC, ये खुद जिन्होंने किया हुआ है रजिस्टर्ड CSC फार्मर्स, तो जी हाँ, ये यहाँ पर CSC फार्मर का रजिस्ट्रेशन है जो CSC के थ्रू हुए हैं, ना कि डिपार्टमेंट के थ्रू। और यहाँ पर नीचे बेनिफिशरी लिस्ट है, ये देखिए आप, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जो स्टेट है उसको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, हम यहाँ पर बांडीपोरा लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर भी सब डिस्ट्रिक्ट भी बांडीपोरा और ये ब्लॉक भी बांडीपोरा लिखेंगे और अपने गांव का नाम लिखेंगे। और जितने यहाँ पर देखिए, जितने भी लोग होंगे यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं लिस्ट में, ये सब नाम यहाँ पर दो लिस्ट में आए हुए हैं, यहाँ पर कुल मिला के 77 है। तो ये है इनकी बेनिफिशरीज लिस्ट में जो रिपोर्ट है वो पूरा यहाँ पर। हाँ, इसके अलावा अगर आप फुल डिटेल देखना चाहेंगे इसके अलावा, तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा ऊपर, हम आपको बताएंगे यहाँ पर डैशबोर्ड में, यहाँ पर लिखा है 2020 और 21 की जो रजिस्ट्रेशन है उन फार्मर्स की पूरी डिटेल यहाँ पर डैशबोर्ड में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप स्टेट का नाम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर अपने गांव का नाम, तो यहाँ पर जब आप शो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए 453 फार्मर्स है, पेमेंट स्टेटस रिसीव्ड ऑल 388 ने रिसीव किया हुआ है और रिसीव्ड पार्शल पेमेंट 9 का आया है, नो पेमेंट 20 का है,
और अदर स्टेटस यहाँ पर एक्सेप्टेड है 276, रिजेक्टेड 152 है, और इनवैलिड यहाँ पर एक दिखा रहा था शायद, एक मिनट हाँ इनवैलिड एक है, पेंडिंग इसमें 11 हैं, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस 3 का रिसीव्ड है, रिजेक्टेड एक है, एक्सेप्टेड 0, पेंडिंग 2। इनमें से जब भी आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो उसका पूरा स्टेटस आपको दिखाया जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर जो यह है पेंडिंग वाला देखेंगे, तो पेंडिंग वाले कौन कौन से हैं, तो ये देखिए फार्मर्स जिनका आधार कार्ड एक्सेप्ट हुआ है, जिनका नहीं हुआ ये यहाँ पर, और जिनका आधार इनवैलिड है तो वो गुलाम बी मोहम्मद वानी है कोई, और इसके अलावा फार्मर्स जिनका पेंडिंग वेरिफिकेशन है अब्दुल रशीद ऋषि वगैरह, ये सब है जिनका पेंडिंग है। तो ये पूरा का पूरा स्टेटस आपको यहाँ पर नज़र आएगा, आप देख सकते हैं रिजेक्शन भी पेंडिंग भी, तो इस तरह से आप पूरा का पूरा ये डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, तो अब हम होम पेज पे जाएंगे फिर से। ओके, इसमें हम फिर से एक बार खंगालेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या कोई और चीज़ है जो लोगों को ज़रूरत है। हाँ, अपडेशन ऑफ सेल्फ री रजिस्टर्ड फार्मर्स, अगर अपडेशन करनी होगी यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा आप मोबाइल पे ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप डाउनलोड केसीसी फॉर्म कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे, और इसके अलावा हेल्प डेस्क ये यहाँ पर है, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो यहाँ पर आप जान सकते हैं। आपका आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा आपको, ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल है। यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप बता सकते हैं इनको, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।